वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ मेरे आर्ट टूल्स के बारे में कि मैं अपनी पेंसिल स्केचिंग जो करती हूँ उसके लिए मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ में ले रही हूँ। मैंने बहुत लंबे गैप के बाद में अपने ड्राइंग की हॉबीज़ को वापस से स्टार्ट किया है। पहले मैं कॉलेज में, स्कूल टाइम में या फिर बचपन से जो करती आ रही थी, उसके बाद में मैं अपनी शादी के बाद से मैंने ये सब चीज़ छोड़ दी थी, मतलब नहीं करती थी इस चीज़ को लेकर के। कभी बहुत कभार कर लिया। अब जब लोग, मैं कुछ बना रही हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मेरी इस स्किल को और इम्प्रूव करना चाहिए। यही मैं आजकल कर रही हूँ, अपनी नए नए टूल्स वगैरह से नए नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ और नया नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं अपने स्किल्स को शार्पन करने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और चीज़ें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। वही मैं आप करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये 2022 का जो नया साल शुरू हुआ है वो मेरे इस स्किल को, मेरा जो ये मेरा इनर पार्ट जो है, जो मेरे को बहुत पसंद है कि हाँ, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। मैं ड्राइंग करते हुए मुझे बाकी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, या मैं बहुत अच्छे से, मैं कभी थकती नहीं हूँ ड्राइंग करते हुए, तो वो चीज़ मैं और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अपनी स्किल को और अच्छे से बढ़ा पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को कमेंट, वीडियोज़ पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे और भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन दें ताकि मैं और अच्छे अच्छे, या अपना जो कलेक्शन है या जो मेरा मेरी हॉबी, मेरा ये इनर, मेरा स्किल है, उस चीज़ को मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से अपने आप को शार्प कर सकूँ। मैं अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतरीन बना सकूँ, अपनी कला को, अपने आर्ट को। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे आर्ट, पेंसिल स्केचिंग जो आर्ट होती है ना, उससे रिलेटेड टूल्स हैं ये। तो मैं आज वो ही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं उसको, कौन कौन से पेंसिल्स स्केचिंग से रिलेटेड टूल्स होते हैं जिन्हें हम किस किस तरीके से यूज़ में कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, करते हैं आज का वीडियो। ये हैं मेरे पूरे आर्ट टूल्स जो मैं अपनी ड्राइंग्स में, पेंसिल स्केचिंग में मैं यूज़ में लेती हूँ। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये अलग अलग किस तरीके से काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंसिल्स की। तो ये मेरे पास में है आर्ट लाइन की पेंसिल्स हैं, ये बी ग्रेड की पेंसिल्स आती हैं, एच पी भी आती है इसमें, साथ में बाकी इसमें 2B, 6B, 4B, 8B या 10B तक की पेंसिल्स आती है। तो ये काफ़ी अच्छी पेंसिल्स हैं जो बहुत अच्छे से हमारे पेंसिल स्केचिंग में काम में आती हैं हमें। ये काफ़ी सॉफ्ट भी हैं और इसका जो डार्क वाला हिस्सा होता है, या हम इससे जब चलाते तो ये काफ़ी अच्छे से डार्क कर देती हैं। तो इसी के साथ ही मेरे पास में ये दूसरी तरह की पेंसिल्स हैं, ये एच ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं, जो ये डार्क होती हैं और ये लाइट होती हैं। इसमें ग्रेफाइट ज़्यादा होता है इसलिए ये थोड़ी सी हार्श रहती हैं। जब आप इन्हें पेपर पे चलाएंगे तब आपको इसमें से कुछ आवाज़ आती है, मतलब जो फ्रिक्शन होता है ना वो समझ में आता है, थोड़ी सी हार्ड रहती है। लेकिन जब हम अपने पेंसिल शेडिंग में, जब स्टार्टिंग में आउटलाइन करते हैं और देन हम जब पेंसिल शेडिंग स्टार्ट करते हैं, उसको शेड करना या उसमें आप उसमें लाइट डार्क का रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम सबसे पहले इन्हीं का यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट होती हैं। तो हम अपने पेंसिल्स के अंदर डार्क लाइट को कंट्रोल करके रख सकते हैं, इसीलिए हम स्टार्टिंग में इन्हीं पेंसिल से शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा काम में आने वाली होती हैं 3B और H पेंसिल्स होती हैं, या फिर 4H पेंसिल्स होती हैं ना, यही हमें ज़्यादा काम में आती हैं। उसके अलावा मेरे पास में ये कुछ फैब्रिकासल्स की एच ग्रेड, उसकी बी ग्रेड की पेंसिल्स भी हैं। ये ओके ओके पेंसिल्स लगी मुझे पर्सनली, और इसको ये काफ़ी टूट जाती हैं एक्चुअली, क्या इसीलिए देखिए इसको जल्दी से शार्प ही नहीं हो पाती हैं, ये बहुत जल्दी से इनकी लेड है वो ब्रेक हो जाती है। वैसे ठीक है, ये पेंसिल्स भी आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो।
साथ में मेरे पास में है ये चारकोल की पेंसिल जो अप्सरा की हैं। मैंने अभी तक कोई भी अपने टूल से ज़्यादा कॉस्टली नहीं ख़रीदे हैं, और मैं जो चीप रेंज के हैं या मीडियम रेंज होती है ना, मैं उन्हीं के टूल्स यूज़ में लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने दोबारा से ये सब स्टार्ट किया है, मैं अभी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कॉस्टली अपने टूल्स को, इनको, पेंसिल्स वगैरह को नहीं लेती हूँ। तो ये अप्सरा की हैं, ये चारकोल पेंसिल्स होती हैं, जो पेंसिल शेडिंग में हमारा वो वाला पार्ट होता है ना जो काफ़ी डार्क होता है, तो उस डार्क पार्ट के लिए हमें ये चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करना होता है। तो जैसे कोई काफ़ी शेडो वाला पार्ट है, अदरवाइज़ आपके हेयर्स होते हैं जो बैक साइड में, साइडों में जो दबे होते हैं, जो बिल्कुल डार्क होते हैं, जिसमें के अंदर कोई टेक्सचर नहीं नज़र आता, उस डार्क पार्ट को करने के लिए हम चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। बाकी काफ़ी कुछ पार्ट हम इन्हीं आर्ट लाइन की पेंसिल से कवर कर लेते हैं, लेकिन बहुत डार्क पार्ट के लिए हम अपनी चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। हम ग्रेफाइट पेंसिल के साथ में चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं, या अकेली चारकोल पेंसिल्स के साथ में भी अपना स्केच बना सकते हैं। उसके साथ ही मेरे पास में है ये पेपर स्टाम्प्स, ये ब्लेंडिंग के काम में आते हैं, काफ़ी गंदे हो चुके हैं पर ये ब्लेंडिंग के काम में आते हैं। हम जब पेंसिल्स से शेडिंग करते हैं तो उस पेंसिल शेडिंग को हम ब्लेंड करना चाहते हैं, उसके लिए इन पेपर स्टाम्प्स का यूज़ किया जाता है। तो ये पेपर स्टाम्प उस पेंसिल्स को का जो रस्क होती है, रस्क नहीं कहेंगे उसे, उसकी जो डस्ट होती है उस डस्ट को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो वो काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है इससे, अदरवाइज़ वो पेंसिल के स्ट्रोक्स नज़र आते हैं। उसके साथ ही है मेरे पास में ये दो मैकेनिकल पेंसिल्स, ये बहुत 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 ही अच्छी होती हैं मैकेनिकल पेंसिल्स। मैं पहले कभी यूज़ में नहीं लेती थी इनको, अब मैंने जब इससे स्टार्ट किया है तो ये काफ़ी अच्छी है, आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए भी अच्छी हैं, और जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी स्केचिंग में शेडिंग को, तब हम इनसे अगर स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी स्मूथ टेक्सचर आता है हमारा। उसके साथ ही मेरे पास में है ये हाइलाइटिंग पेन, जो हमारे बहुत एक्सट्रीम हाइलाइटेड पार्ट को, लाइक ज्वेलरी होता है, उसके अलावा हम आँखों के अंदर कई बार हमारे बहुत अच्छे से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, पसीने को जो स्वेट वाला पार्ट जहाँ पानी है, या इस तरीके के पार्ट को जब कभी वो बहुत एक्सट्रीम हाइलाइटेड होता है ना, उसके लिए हम ये यूज़ में कर लेते हैं। साथ में है मेरे पास में ये ज़ीरो इरेज़र, ये काफ़ी पतली सी लिड होती है, देखिए तो ये लिड हमारे बहुत ही लाइट पार्ट होते हैं, बहुत छोटे पार्ट होते हैं, आँखों की लाइट्स होती हैं, साथ में कुछ स्किन पे टेक्सचर होता है उसके लिए, हमारे हेयर्स बनाने के लिए हेयर्स पे हाइलाइटिंग होती है, कई हेयर्स बहुत अलग से चमकते हुए नज़र आते हैं किसी ड्राइंग्स में, स्केच में, तो उन पार्ट्स को बनाने के लिए हम ये रेज़र यूज़ में लेते हैं। साथ ही मेरे पास में है ये दो मेकअप ब्रश, ये ब्लेंडिंग के बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, कुछ जो स्किन का टेक्सचर होता है ना वो इससे बहुत अच्छे से बनता है, जब बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है हमारा इससे, तो ये भी बहुत अच्छा टूल्स होता है, ये भी मैं यूज़ में लेती हूँ। गाइस ये है मेरे पास में नीडेबल इरेजर, क्योंकि ये बिल्कुल आटे की तरह नीट हो जाता है, इसलिए इसका नाम नीडेबल इरेजर है, ये काफ़ी गंदा हो चुका है अभी तो इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारे बहुत ही छोटे पार्ट हैं, क्योंकि ये किसी भी शेप में आप इसे टर्न कर सकते हो, तो बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, तो आँखों के अंदर या फिर हमारे कुछ लिप्स पे या फिर बालों पे हाइलाइटिंग देने के लिए भी हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो गाइस ये थे मेरे पास में मेरे आर्ट टूल्स जिन्हें मैं अपनी ड्राइंग्स में यूज़ में ले रही हूँ, और धीरे धीरे करके मैं अपनी स्किल्स को और शार्प करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आगे भी आपको नए नए टूल्स के बारे में मैं बताती रहूँगी, साथ ही नई नई ड्राइंग्स भी बनाती रहूँगी, तो आप मुझे उसके बारे में भी अपने कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।